अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल सर, आप देख रहे हैं सईद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पुरानी चार्जिंग टॉर्च को फैन में कन्वर्ट करेंगे और इसकी लाइटिंग भी चलेगी, कुछ कुछ लाइट्स के साथ लगा देंगे तो वो भी चलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहें तो आप इसे बैटरी चार्जर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉर्च का सारा सेटअप है। ये टॉर्च है हमारी पुरानी, ये इसका इधर जो एलईडी होती थी इसकी, वो मैंने निकाल दी है। और ये इधर से सारा इसका जो ये प्लास्टिक है, इसे काबिये से गर्म करके साथ चिपका दिया है। और ये इसकी जो आउटपुट की वायर्स हैं, इधर जो लाइट होती थी उसके आउटपुट की वायर्स दो हैं, वो मैंने आगे दे दी हैं। तो उनके साथ हम फ़ैन अटैच करेंगे और ये जो बाकी का ऊपर का सेटअप है वो सारा ठीक है, ये बैटरी एक इस्तेमाल होगी। तो अब मैं ज़रा सा इधर काविये से ज़रा गर्म कर लगा देता हूँ टांका, क्योंकि ये टेढ़ी हो रही है। ये आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है, और इधर भी लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, अब ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसके साथ बाकी सारा कनेक्शन तो हुआ है। बैटरी वैसे आमतौर पर इन टॉर्चों की बैटरी जी ख़राब होती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि यही सड़ जाती हैं। और ये बैटरी को मैं ले लेता हूँ। बैटरी की एक वायर रहती है, उसको हम फिट कर देंगे। फ्रेंड्स, एक हाथ से कनेक्शन समझाना ज़रा मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स, अभी सब कुछ करने के बाद वायर्स निकालने के लिए मोटर की हमने इधर सुराख कर दिया था। आप चाहे तो आप नीचे कर सकते हैं, पर नीचे ज़रा मुश्किल पेश आएगी आपको, तो ऊपर इसलिए ठीक है। इसका कैप लगा देते हैं, मोटर को बैटरी को अंदर फिट कर देते हैं। तो अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, और मोटर के कनेक्शन भी अब हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका सारा सेटअप कर दिया है। अब मैं साइड से ज़रा, क्योंकि इसका नेट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी पुरानी ग्लू गन है, इसको मैं ज़रा सा कर देता हूँ गरम। गरम कर यूँ करूँगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स फ़ैन की। तो फ़ैन मैं पीछे की तरफ लगाऊँगा, आगे की तरफ नहीं लगाऊँगा, क्योंकि वायर्स हमने आगे की तरफ से दी हैं। तो अब मैं इसके साथ मोटर कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारी मोटर है, और इधर मैंने ग्लू गन लगाई हुई है। तो मैं इसे यूँ गर्म कर दिया है मैंने। अब मैं इसके साथ मोटर अटैच कर देता हूँ, और मोटर के कनेक्शन आप एक दफ़ा ज़रा ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर इसके कनेक्शन गलत हो जाते हैं तो फिर मोटर रिवर्स में घूमती है, ख़राब नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अब इसकी जो दो वायर्स हैं, इन्हें मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये वाली इसके साथ होगी, और ये बड़ी वाली यूँ इसके साथ होगी। मैं कनेक्ट करता हूँ और बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये सारा सेटअप टूर कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, मैं अब इसकी लाइट जलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं लाइट इसकी जल रही है, और बंद करता हूँ, ये देखें बंद होगी। तो अब फ़ैन पर आते हैं, ये देखें बहुत अच्छी हवा दे रहा है फ्रेंड्स। ये मैं आपको इसकी हवा चेक भी कर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इसे चेक करने के लिए हम एक ओरियो का रैपर लेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसने कैसे बहुत तेज़ हवा है इसकी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज़ रोज़ आती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।